नमस्कार, द एप्पल मीडिया यूट्यूब चैनल में सभी बागवान भाइयों का स्वागत है। आज हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से एक ग्राफ्टिंग की नई टेक्निक के बारे में थोड़ी जानकारी शेयर करेंगे। स्टेप ग्राफ्टिंग टेक्निक आज जो हम आपके साथ वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार की जाती है। एंड स्टेप ग्राफ्टिंग टेक्निक जो है, थोड़े जितने ये मोटे कट्स हैं इनमें होती है, यहाँ पे टंग ग्राफ्टिंग उतनी सक्सेसफुल नहीं रहती है, तो इसलिए हम जो है कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हमें मोटे कट जो है उसमें कौन सी ग्राफ्टिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाए। तो ये सबसे सक्सेसफुल जो अभी तक हमें कुछ सालों में देखने को मिली है, तो वह स्टेप ग्राफ्टिंग है। तो इसी के रिलेटेड हम आपके साथ ये वीडियो जो है वह शेयर कर रहे हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ज़रूर कमेंट और लाइक इस वीडियो में ज़रूर करें तो ज़्यादा अच्छा। जब सैप और ज़्यादा चढ़ जाएगा तो ये टेक्निक वाली ग्राफ्टिंग जो है बहुत तेजली हो जाती है। हम ऊपर से इस तरह लेके चाकू लेके, क्योंकि अभी हाँ जी, इसको एक दाएं साइड को थोड़ा हल्का सा ही और हल्का सा बाएं साइड को ही, ओके, इसे चाकू से हम इसको घुमाएंगे। इसके बाद हम यहीं से सामने से इसको नीचे नीचे को लेंगे, यहाँ पे इस तरह ही, ओके। ये जो है हमारा बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। हाँ जी, इस तरह करेंगे। उसके बाद हम, क्योंकि आजकल स्टेप नहीं चला इसमें, इसलिए हल्का सा इसको साफ करने के लिए हम इस तरह दूसरा कोई डंडा लेके हम इसको साफ करेंगे। ये हाथ निकालना इसमें दिख नहीं रहा, ओके जी, इस तरह साफ करेंगे इसको, ये इस तरह एक दो बार जो अंदर, हाँ जी, और यहाँ भी जितना भी बुरा है वो सारा बाहर निकल जाएगा। हाँ जी, क्योंकि इसमें जो छिड़का भी इसने अच्छी तरह नहीं छोड़ा ना, भी इस तरह ही। उसके बाद हम इस कलम को, इतनी लंबी स्टिक लेंगे कलम बनाने के लिए। इसके लिए तो हमें जो आपका बडवुड है वो कम से कम हमें 5-6 अंक का चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये यहाँ से हमने इसको यहाँ करना है, तो इसलिए इसको इस तरह हाथ से रख के छिड़की के साथ हल्की सी अंदर से इसकी हड्डी सिवाय तो वो चली गई। ओके, इतना ज़्यादा देंगे, कम से कम 10 देखिए जी, पीछे को रोल करके फिर हम इसको चाकू से दोबारा फिर वहीं तक इस तरह करेंगे इसको, जी हल्का पतला करना है इसको, जी ओके, इस तरह ही जो ये इजीली इसमें जी एडजस्ट हो जाए। उसके बाद हम यहाँ इसको दबा, पीछे दबा के यहाँ से फिर इस तरह कट कर देंगे इसको, जी। उसके बाद हम यहाँ से हल्का सा जो ये बच गया है इसको हम चाकू से इस तरह भाग के निकालेंगे, ओके, पीछे से एक कट मारेंगे यहाँ से पीछे इस तरह, ताकि ये जो छिलका जब हम नीचे को डालेंगे तो ये यहाँ छिलका न उतर जाए, इस तरह बनेगी कलम ये हुई। ओके, ये आपकी कलम जो है वे बन गई है। आप यहाँ से 4 आंक 5 आंक जितना रखना आपने, ओके, उसको काट दो ये, ओके। फिर आपने कलम यहाँ से लगा सकते हैं आप इस तरह, सबसे बेटर रहेगा ऊपर से नीचे को, ये ऊपर से नीचे को, हाँ जी, ओके। जब यहाँ से थोड़ा सा ये हाथ यूँ डालेंगे आप नीचे कलम, ये इस तरह ही, ओके, इसमें अभी अच्छे तरीके से हो गया फिट। बैठने के बाद आपने क्या करना, एक आंख यहाँ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एक ये कलम चलेगी, ये भी काम करेगी और ये आंख भी काम करेगी, एक आंख यहाँ से काम करेगी। फिर आपने क्या करना, जो यहाँ से इतना सा लेके यहाँ से हल्का सा इसमें नीचे को कट मारना है किस तरह ही, फिर यहाँ चाकू अंदर यूँ रख के आराम से इसको नीचे को फोल्ड करना है इस तरह ही। इसे फोल्ड करने के बाद आपका आसानी से फोल्ड गया, फिर ऊपर को उठा के हल्का सा फिर इस जो ये स्किन है स्किन के अंदर अंदर को पुश कर देना इस तरह ही। ये देखिए जी, एक आँख यहाँ रहेगी, बाकी कलम यहाँ लग गई। ये आप देखिए यहाँ पे, ये एक आपको एक आई यहाँ पे दिख रहा है एंड इसमें हो गया, तो ये इसको पूरा कवर कर लेगा। बाकी अब अगर एक कलम दूसरी दो कलम लगाई, फिर आपने एक यहाँ से इधर को देना पड़ेगा, दो कलम हो जाएगी फिर बांधने का तरीका। अगर आपका ये उतना थिक नहीं है तो आपको ये एक कलम ही पूरा हील कर लेता है। अगर लगता है कि ज़्यादा थिक है ये, अगर ये जो आपका ब्रांच ज़्यादा थिक है, तो आप इसको एक और यहाँ से इस साइड को भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो एक और कर लेते हैं इसमें, इसके लिए भी यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, ये इस साइड से खींचिए यहाँ से,
इसको आपने फिर वही साफ करना है पहले स्किन को अच्छे से। ये कलम भी उस तरीके से बनेगी। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा इसको थिन कर देंगे एंड इस तरह इसको रिमूव करके ये देखिए आपने इसको ज़्यादा एरिया जो है इस ब्रांच के इसने कवर कर दिया एंड ये काफ़ी आसान रहेगा कि आगे जो है ये इजिली पूरी ब्रांच को जो है वो इजिली कवर अप कर देगा। हाँ जी। सो ये देखिए आप इस तरीके से ये तैयार हो चुका है। सो बागवान भाइयों, तो ये हम आपके लिए इसलिए शेयर करें ज़्यादातर, वैसे तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है बट स्टिल अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना काफ़ी आवश्यक होता है तभी आप इस ग्राफ्टिंग को यूज़ कीजिए एंड ये टेक्निक तभी इसका इस्तेमाल करना है ज़रूरी अगर आपका जो ब्रांच है वो काफ़ी मोटी है। वैसे ज़्यादातर टंग ग्राफ्टिंग की जो है वह काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ जी। सो इसके बाद ये बांधने का तरीका जो इसका है कि इसको हमने कैसे कवर करना है, एक टोपी ऐसा बनाना है इसको। हाँ जी। ये फिर इस तरह इस तरीके हो गया, यहाँ से फिर इस तरह फैला दी, इसको इस तरह पकड़ दी। हाँ जी। फिर इस तरह इसको नीचे की ओर खींचना इस तरह ही। हाँ जी। टाइट कर देना, ये बिल्कुल टाइट हो गया। फिर इसके रोल के साथ इसको कवर कर दिया। हाँ जी। ऊपर ऊपर पाना है के लिए। यहाँ पहुँचने के बाद फिर इसको एक कलम में पहले इसको इस तरह उकरना है, इस तरह प्रेस करके फिर उल्टी साइड जाना है, यहाँ पे इस साइड को। ओके। फिर इसको सो इसका बैलेंस बना रहेगा। हाँ जी। और उसके बाद फिर यहाँ से नीचे को आना है, नीचे आने के बाद फिर जो ये यहाँ पे ऊपर हमें थोड़ा टाइट करना है यहाँ से उतर ही एक दो बार, उसके बाद फिर नीचे उतर के फिर बस ये। ठीक है जी, ये फिर आपका हो गया। सो बागवान भाइयों, ये यही एक आसान सा हम जो है आपको एक वीडियो शेयर कर रहे हैं कि आपको इजीली रहे कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है स्टैप ग्राफ्टिंग करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।